हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है? होप आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बच्चों, थोड़ा इसको 2 या 3 बार रिवाइंड करके जरूर पढ़िएगा। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE, ओके? और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से कहूँगा, जो मेरे नए व्यूवर हैं बच्चों, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और जो पुराने व्यूवर हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़रूर शेयर करें, और जिनका प्रीवियस क्लास छूट गया हो वापस क्लास फर्स्ट से जाके 1 बाय 1 स्टडी करना शुरू कर दें। क्लास 11th क्लास अलग चल रही है बच्चों, क्लास 12th क्लास अलग चल रही है, और JEE क्लास अलग चल रही है मैथ की, ठीक है? आप इस बात को ध्यान रखिएगा। सारा का सारा डिटेल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। JEE क्लास के लेक्चर एक साथ लिखे होंगे, दिए होंगे, 11th के लेक्चर अलग लिखे होंगे, 12th के लेक्चर अलग लिखे होंगे, ओके? तो आज अपना आगे बात करेंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले बच्चों, ठीक है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से पहले। तो हमारा जो डिफिनेशन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, बच्चों सीलिंग फंक्शन भी कहा जाता है इसको, सीलिंग फंक्शन। स्मॉलेस्ट को लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है? नियरेस्ट वैल्यू फंक्शन भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है, ओके? पहले डिफिनेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, डिफिनेशन बात करेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे इसकी, ठीक है? उसके बाद फिर बेस्ट क्वेश्चन लेंगे, और एज वेल एज जो हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया है बच्चों, उसको भी मिक्स कर लेंगे, ठीक है? एज वेल एज हमने मॉड पढ़ा हुआ है, मॉड को भी मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, मतलब जो भी प्रीवियस क्लासेस जितने पढ़ते जा रहे हैं उसको मिक्सअप करके चलते रहेंगे, क्योंकि वो भूले ना, ठीक है? चलिए पहले डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। फॉर एनी रियल नंबर एक्स वी यूज द सिंबल, यूज द सिंबल, इसको ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, वी यूज द सिंबल दिस टू डिनोट द स्मॉलेस्ट इंटीजर इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ओके बच्चों? मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इसको हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐसे दिखाएंगे बच्चों, वहाँ पे क्या लिखा करते थे ग्रेटेस्ट, जब हम लोग GIF की बात करते थे वहाँ लेस देन और इक्वल टू वर्ड करते थे, बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्ड यूज करेंगे, ठीक है? और इसका अगर ग्राफ देखा जाए, ठीक है बच्चों, इसका ग्राफ में आपको थोड़ा अलग मिलेगा, जैसे उसमें था उसी तरह इसमें कुछ नया है आपके लिए, ठीक है? ये आपका -1 है, ये -2 है, ये देन -3, ये आपका वाई वाई डैश होगा, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है? तो इसको समझने से पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं, उसके बाद में क्योंकि मैं एग्जांपल लूँगा तो आप क्लियर होगा क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये है बच्चों कि स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू की जो बात करते हैं, इसमें उसमें क्या 0 से 1 के वैल्यू में 0 वैल्यू रिटर्न करता था, हमेशा टेल को फॉलो करता था, अभी भी टेल को ही फॉलो करेंगे, बट आप इसको इस तरह आप समझोगे। अब 0 से 1 में इसकी वैल्यू किस कितनी आएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। 1 से 2 में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी बच्चों। 2 से 3 में इसकी वैल्यू 3 आएगी, ठीक है? हमेशा आप समझ सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू का इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है? ठीक,
तो ये इसका ग्राफ है बच्चों। अब मैं एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बिना ग्राफ के आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैंने बोला, अगर मैं बोला 1.2 की वैल्यू बताओ, स्मॉलेस्ट इंटीजर 1.2, 1.2 देखो कहाँ पे आ रहा है, 1 और 2 के बीच में लागे कर रहा है ना, और 1 और 2 के बीच में इसका टेल किसको फॉलो कर रहा है, 2। इसकी वैल्यू आप कितना बताओगे बच्चों, 2 बताओगे आप। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो -1.2, ठीक है, -1.2, -1.2 आप देखो किस में लाई कर रहा है, इसके बीच में, -2 से -1 के बीच में, और -2 से अगर -1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका टेल किसको फॉलो कर रहा है, -1 को बच्चों, ठीक है। या अगर आपको लिखा हो 0.9, 0.9 कहाँ लाई कर रहा है, देखो तो आप 0 से 1 के बीच में, तो इसका टेल किसको फॉलो कर रहा है, 1 को बच्चों, तो इसके वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए बच्चों। फिर से वही बात है, मैं हमेशा टेल को फॉलो करूंगा, हेड को नहीं, टेल को, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जो ग्राफ है आपका, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। फॉर एनी रियल वैल्यू एक्स वी यूज द सिंबल दिस टू डिनोट द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, राइट। अब बात करते हैं प्रॉपर डिफिनेशन की बच्चों, ठीक है। देखो इसके अंदर करना क्या है कि यहां पर अगर देखा जाए, ये जो हम लिख रहे हैं और इसका डिफिनेशन प्रॉपर की बात करें, लिखा जाएगा द फंक्शन f such that from R to R defined by f of x equal to smallest integer function of x for all x belong real value is called the smallest और लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। ओके बच्चों, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें थी बच्चों। आप देखो, ये अगर बात कर लेते, इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज की बात की थी, उसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर इससे प्रॉपर्टी की अगर बात करें बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है और कैसे कैसे, तो जहां पे हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए पढ़ा था ना, सॉरी, इस GIF के लिए पढ़ा था, उसी तरह इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जैसे इस प्रॉपर्टी में आपको याद रखना कि n हमेशा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, x हमेशा रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ध्यान दिया जाए, तो अगर हमारे पास निगेटिव कोई नेचुरल नंबर इस तरह लिखा हो, या n ना लिखे, आप यहाँ z यूज करिए, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पूरे इंटीजर नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हो, ये पहला फॉर्मूला हमारा, ठीक है। इसका एग्जांपल देना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास -2 ऐसे लिखा हुआ है, राइट, तो -2 डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 हमारा इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर का एज ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे x रियल नंबर अगर ऐसा होता तब क्या करते, इंटीजर ना हो के अगर कुछ और नंबर फ्रैक्शन टाइप में होता तब क्या करते, तो अगर ऐसा कभी होगा बच्चों, इंटीजर नहीं होगा तो मतलब फ्रैक्शन सारे नंबर कवर करना चाहते हो आप, राइट। तो इसमें से क्या, आप देखो यहाँ जो भी वैल्यू करो उसमें +1 जोड़ रहे हो आप, जैसे 0 से 1 के बीच में बात कर रहे थे, तो 0.1 समथिंग आज 0+1 कर रहे थे बेसिकली, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ +1। और ये जो भी लिख रहे हैं बच्चों, x इक्वल टू रियल में से जेड माइनस, मतलब फ्रैक्शन पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इंटीजर की वैल्यू को छोड़ के बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, एग्जांपल मैं इस पर फिर से दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया -2 या 1.2 लिख दिया मैंने। अब -1.2 की अगर बात करें बच्चों, तो इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, -1.2 +1 लिखेंगे, और -1.2 जो होगा, माइनस तो बाहर चलेगा, 1.2 इसके बीच में आएगा बच्चों, 1.2 का
टेल किसको फॉलो कर रहा है, टू को, तो ये कितना बन जाएगा माइनस टू प्लस वन, तो कितना आ जाएगा माइनस वन। या रिवर्स करके देख सकते हो कि माइनस वन पॉइंट टू इस रेंज में आएगा बच्चों। अच्छा टेल किसको फॉलो कर रहा है, माइनस वन को, तो आप डायरेक्टली माइनस वन लिख सकते हो आप, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। देखो ये टॉपिक बहुत ईजी है बट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी लेक्चर आपको समझ आए तो दोबारा तिबारा जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर किसी रियल नंबर में कोई इंटीजर नंबर ऐड कर दिया गया हो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है, एल आई एफ में, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे उसमें हम इंटीजर बाहर लिख देते थे बच्चों, इसमें भी वही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एन हमेशा याद रखिएगा क्या है, यहाँ पे इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर बाहर चला जाएगा बच्चों, डायरेक्टली ऐसा लिख लेंगे। पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर जो हमारा होगा, देखो अब ये हमें प्लस करके पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप अगर आप अपने दिमाग सोचो, अगर एक्स इंटीजर हो तो क्या होगा और इंटीजर ना हो तब क्या होगा, यही ना होगा दो बात। अगर इंटीजर है तो ये ऑलवेज क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये भी जैसे ये माइनस में था तो ये भी माइनस में रिटर्न करेगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। अगर ये इंटीजर ना हो के क्या हो जाए, फ्रैक्शन नंबर हो जाए, रियल नंबर हो जाए, सॉरी फ्रैक्शनल नंबर जो इंटीजर को छोड़ने बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो क्या करेगा इसमें प्लस वन जुड़ जाएगा, इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले में प्लस वन करके लिख सकते हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ वन बचेगा। अगर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो आप, अगर दोनों को आपस में क्या करो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, इफ एक्स बिलोंग इंटीजर नंबर, इफ एक्स बिलोंग नॉन इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर ना हो, अगर इंटीजर नंबर है तो ये बाहर आएगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा बच्चों, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और इंटीजर नहीं होंगे तो अगेन ये वाला रूल फॉलो करेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वन क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा बच्चों, तो यहां से आप लिख सकते हो इसको, अब इसको ऐसा लिख सकते हो। ये फाइव प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया बच्चों, इससे कुछ क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ठीक है, इस कंसेप्ट को और समझने के लिए इस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन टू टेन लिखा हुआ है, वेयर रिप्रेजेंट एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन दिया और हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत टफ है नहीं, बस आपको सोचना है क्या है, सोचना क्या है, जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको दो बातें ध्यान रखना है कि इंटीजर पे वैल्यू क्या निकालना है और फ्रैक्शन वैल्यू पे क्या वैल्यू होगी, मतलब इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ते हैं तभी हमारा रियल नंबर बनता है, ठीक है ना। यही दो बातों को ध्यान रखना है आपको, क्या क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू होगी तब एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, और फ्रैक्शन वैल्यू होगी एक्स की, मतलब नॉन इंटीजर वैल्यू होगी तब क्या होगी वैल्यू उस पर, और दोनों का क्या करेंगे, अगर सोल्यूशन सेट मिलेगा तो यूनियन करके लिख दीजिए, नहीं मिलेगा तो दोनों जोड़ के लिख दीजिए आप। चलिए देखते हैं, अगर आप ध्यान दो इसमें, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूँ केस फर्स्ट बनाऊं, केस फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, केस फर्स्ट की अगर बात करूं बच्चों, अगर एक्स हमारा इंटीजर नंबर हो जाए, अगर एक्स इंटीजर नंबर होगा तो हमने क्या पढ़ा कि अगर इंटीजर नंबर है तो टू एक्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अगेन एक्स मिलेगा बच्चों, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन, तो थ्री एक्स इक्वल टू क्या हो गया बताओ आप, टेन हो जाएगा। अगर 3x इक्वल टू 10 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 बाई 3, और 10 बाई 3 जो है बच्चों ये इंटीजर वैल्यू नहीं है,
तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ओके के सेकंड पे बात करते हैं। अगर एक्स इंटीजर ना हो, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि जो वैल्यू एक्स की है वो जेड और जेड प्लस वन के बीच में लाई करें, ठीक है। जेड भी लिख सकते हैं बच्चों, आई भी लिख सकते हो, तो आई आप रिवर्ड यूज कर लीजिए, आई और आई प्लस वन के बीच में लाई करें, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर ऐसा है तो x किसको मिले करेगा भाई, x जो अपना पीछे वाली वैल्यू को कॉल करेगा तो क्या बन जाएगा, ये 2y लिख सकते हैं, और ये हमेशा आगे वाली वैल्यू को फॉलो करता है बच्चों, तो इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, i प्लस वन लिख सकते हैं, इक्वल टू 10, तो 3i इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 9, और i की वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3। अगर i की वैल्यू 3 अगर है, अगर i की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 3, तो वापस जाके यहाँ पर रख दीजिए, बेसिकली आई क्या है, रख दिया जाए तो हमें एक्स का आंसर मिलेगा, hence 3 लेस देन एक्स, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी x बिलोंग 3 से 4 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पुट कर देता हूँ मैं समझाने के लिए, पुट x इक्वल टू आई मान लीजिए आप ऐसा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होने की वजह से अपनी पीछे वाली वैल्यू कॉल करेगा बच्चों ये, और ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन होने की वजह से अपने आगे वाली वैल्यू कॉल करेगा। ओके तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अभी और भी क्वेश्चन लेंगे बच्चों, घबराइए नहीं, थोड़ा टफ टॉपिक मैं मानता हूँ, बट आज क्लास खत्म होती होती आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, बस पेशेंसली बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन में सेकेंड लेते हैं, इसमें क्वेश्चन सेकेंड लेते हैं, क्या है भाई क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड अगर देखा जाए हमसे पूछा जा रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ ठीक है वेयर इज द नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स इज, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों 2.4, सेकेंड ऑप्शन दिया है -5 से -4 यूनियन 2 से 3, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है -4 से -3 यूनियन 3 से 4 एंड द लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, अब अगर आप समझ गए हो तो आप अपने खुद से ट्राई कर सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन दिया तो कैसे ट्राई करेंगे, कैसे आंसर निकालेंगे, ठीक है। अगर ध्यान दिया जाए सॉल्यूशन के प्रोसेस को बच्चों, हमारे पास दिया क्या है, ठीक है, अभी हम देखो इसको हमने क्या पढ़ा था, अभी एक हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर इसमें कोई अगर इंटीजर नंबर ऐड हो जाए तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताइए, ठीक है, आई या जेड लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसी तरह अगर इसको ध्यान से देखो, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, आप
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे बच्चों तो ये आएगा, ये मिला आपको प्लस वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, माइनस 25 इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, और ये दोनों जुड़ क्या है ये बना देंगे टू स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, टू एंड देन 24 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब टू से डिवाइड कर दीजिए, अगर आप टू से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब ये तो सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना सकते हैं इसको हम लोग, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ आप देख लीजिएगा। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, फोर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस थ्री स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। तो एक हमारे ब्रैकेट में आएगा ये प्लस फोर, और एक ब्रैकेट में आएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, आइदर दिस विल बी जीरो आइदर दैट विल बी ज़ीरो। सो लिख सकते हैं कि ये या तो ज़ीरो होगा और ये ज़ीरो होगा बच्चों। ठीक है, अगर ये ज़ीरो होगा तो क्या मिलेगा, देखो ये ज़ीरो होगा तो माइनस फोर आएगा, और ये वाला ज़ीरो होगा तो आपके पास ये मिलेगा। अब ग्राफ से जाके देख सकते हो आप ये वैल्यू कब मिलेगी बताओ, जब माइनस फाइव से माइनस फोर के बीच में लाई करें, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बिलोंग माइनस फाइव से माइनस फोर के बीच में लाई करें बच्चों, और यहाँ से ये वैल्यू कब लाई करेगी, ये वैल्यू कब मिलेगा, जब टू से थ्री के बीच में हो बच्चों। इसको फाइनल आंसर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कंक्लूड करके, कि आप ये वैल्यू माइनस फाइव से माइनस फोर यूनियन टू से थ्री, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। देख लीजिए एकदम क्लियर कट है बच्चों, ग्राफ से भी समझोगे ना एकदम सही समझ में आएगा ये कैसे मैंने ये लिखा है। ग्राफ में देखो माइनस फोर कब मिलेगा आपको, ठीक है, जब माइनस फाइव से माइनस फोर होगा, राइट, थ्री कब मिलेगा, जब टू से थ्री के बीच में होगा ये। ठीक है, ये क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए, एकदम इजी मेथड से हम लोगों ने किया हुआ है, बेसिक एकदम लेते हुए बस एक फॉर्मूला हमने ये वाला यूज़ किया, फिर मिड टर्म स्प्लिट करके सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों। चलिए घबराए नहीं, भी और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं, अभी भी कुछ डाउट रह गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लूँगा मैं, उसमें कवर कर लेंगे। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं अभी भी, मैं उनसे बोलूँगा बच्चों आप लाइक कर दो तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ता जाता है। इन दिनों आपने जिस तरह मुझे लाइक करके सब्सक्राइब करके आपने मेरा मोटिवेशन बढ़ाया है, मैं आगे फिर चाहूँगा कि आप इसी तरह मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बच्चों जो भी लेक्चर आपको पसंद है लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है, क्योंकि आप एक लाइक आपको लगता है एक लाइक है बट सामने वाले टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है बच्चों। तो मोटिवेशन के लिए तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, जो टीचर आपके साथ इतना देर से जुड़ा हुआ है, आपके साथ लगा हुआ है इतने दिनों से, तो उसके लिए इतना तो बनता ही है ना। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए बच्चों, हमें क्या बोला गया है देखिए, तो हमसे कहा जा रहा है, ठीक है, लेट आर द सेट ऑफ रियल नंबर ठीक है जेड द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एन ठीक है सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बच्चों। अब आपको दिया जा रहा है इफ एस बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन ठीक है बच्चों ये आपको दिया हुआ है
ये आपको दिया हुआ है। वी एन रिप्रेजेंट एज एल आई एफ एंड जी आई एफ। ठीक है बच्चों, ये आपको दिया है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सोल्यूशन सेट एस जो रियल नंबर के बराबर होगा। सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है सोल्यूशन सेट जो होगा रियल माइनस इंटीजर होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है एस इक्वल टू रियल माइनस नेचुरल नंबर होगा। द लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ अगेन सीखने को ही मिलेगा आपको इसमें भी। आप देख रहे हो क्वेश्चन में क्या सिखाया जा रहा है, हमें ये दिया हुआ है तो आपको एज यूजुअल पहले से पता हुआ है, बस इसके बारे में कह रहे हैं कि ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि इसका जो आंसर आएगा वो सोल्यूशन सेट होगा क्या होगा, ये आपको ये बताना है। तो फिर से अगर वही बात किया जाए बच्चों, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब देखो ये क्या लिखा है, फिर से वही वाला फॉर्मूला हम लोग को पता है कि भाई हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, एक्स प्लस एन हो चाहे फ्रैक्शन पार्ट में हो चाहे इंटीजर वैसे वाला बात हो चाहे दोनों में हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते थे, ठीक है बाहर ले लेते थे। और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी अगर होता तो भी वही काम करते बच्चों, ठीक है। तो सेम वे अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उसमें आते हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ये लिख दिया हम लोगों ने। द सेम वे इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए जैसा था वैसा ही कर रहे हैं हम लोग, बार बार कोई चीज़ नया चीज़ आपको डिस्कस नहीं कर रहा, जैसा मैंने दिया था वैसे मैंने लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन की आगे बात कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप है ये। इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, चलिए लगाते हैं क्या आता है बताइए। तो अगर इसको लगाओ तो बच्चों आएगा ए स्क्वायर टू ए बी प्लस वन ए स्क्वायर टू ए बी प्लस वन। तो आप देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इधर लेते आता हूँ मैं, तो टू हो जाएगा और ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा बच्चों, वन प्लस वन कितना हो चुका होगा टू, और इधर आएगा माइनस टू हो चुका होगा। टू सब में डिवाइड कर दीजिए, अगर टू सब में डिवाइड करेंगे आप तो आपको मिलेगा इस तरह, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग मान लिया जाए केस फर्स्ट, यदि x हमारा इंटीजर नंबर हो जाए बच्चों, x बिलोंग इंटीजर नंबर, तो पुट x इक्वल टू i, अगर i हम लोग इंटीजर नंबर लेके चलते हैं तो क्या आएगा बताओ आप, तो ये तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा बच्चों, i रिटर्न करेगा, और ये भी i रिटर्न करेगा, ये माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस वन कभी भी जीरो बराबर नहीं हो सकता, तो ये केस किसी काम का नहीं है। केस सेकंड की बात करते हैं हम लोग, यदि हमारा एक्स क्या हो वो, ठीक है, आई और आई प्लस वन के बीच में लाई करें, या आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड कि एक्स हमारा कैसा नंबर हो, इंटीजर नंबर ना हो, तब क्या होगा, तो हमारा क्या होगा बच्चों, इसमें जो मेन क्वेश्चन था, सॉरी यहाँ पे क्या लिखें हम लोग, ये हमारा क्या स्मॉलेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू वाला फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, आई प्लस वन, ये जी आई एफ है तो इसके वैल्यू कितना रिटर्न करेगा, आई माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखो ये वाला इससे कैंसिल हो, ये वाला इक्वल टू, मतलब जीरो इक्वल टू जीरो मिल रहा है, मतलब ऑलवेज ट्रू है बच्चों, ये ऑलवेज ट्रू है। तो ये वाला केस सेकंड हमारे काम का है, केस फर्स्ट से कोई आंसर नहीं मिला। तो देखो पूरे रियल नंबर्स में किस में हमें सोल्यूशन सेट मिला है, पूरे रियल नंबर में, ठीक है। आप ध्यान दो जब इंटीजर नहीं है तब आंसर मिला, तो क्या करें, कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है देखिए, तो ठीक है, तो पूरे रियल नंबर्स में से इंटीजर माइनस कर दें, मतलब नॉन इंटीजर नंबर्स हो जाए तो हमें सोल्यूशन मिले। तो इस तरह बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप देख सकते हो कि बी ऑप्शन से ही आपको आंसर मिलेगा बच्चों, ठीक है, पूरे रियल नंबर में से, ठीक है।
आपको ये वाला चाहिए केस, तो क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो तो बच्चों, कुछ हाई फाई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम सिंपल से सिंपल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको मैं फिर बोलूँगा टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो कोई बात, दो नहीं तीन बार देखिए क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, और वैसे ही बच्चों आपके लिए फ्री सुविधा दी जा रही है, ऑनलाइन है, फ्री सुविधा दी जा रही है, तो आप इसको दो चार बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं समझ आदमी तो कितनी बुक रेफ़र कर लेता है, तो पढ़ने के लिए तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, इसका बी ऑप्शन है बच्चों, जो अभी क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने। इसके पहले बच्चों इसमें एक छोटा सा और कंसेप्ट बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। वो कंसेप्ट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, वो भी देख लेते हैं हम लोग। फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एनी रियल वैल्यू, फॉर एनी रियल नंबर एक्स वी यूज द सिंबल दिस टू डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट भी कहा जाता है बच्चों, और डेसिमल पार्ट भी कहते हैं इसको हम लोग, डेसिमल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, ये होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका ग्राफ देखो पहले, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, -1 -2 -3। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगी बच्चों। ठीक है, अब जैसा बोर्ड पे देख रहे हो आप, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। अब फ्रैक्शन पार्ट का मतलब समझ में आ रहा है, इंटीजर को जो बच छोड़ के जो बचेगा वो हमारा फ्रैक्शन पार्ट कहलाएगा। अभी भी हम लोग बता रहे हैं बच्चों, आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है बच्चों। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ एग्जांपल लेता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि काम करिए मुझे 3.45 की वैल्यू बताइए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.45 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करो तो इसका एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो तो 3.45 अगर है राइट, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर वैल्यू तो 0 आ जाएगी बच्चों। फ्रैक्शन पार्ट की अगर बात करें तो इसका कितना आएगा बताइए, इसका जो फ्रैक्शन पार्ट मिलेगा हमें 0.45 होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ -2.75 बताइए, देखो माइनस में कोई नंबर होता तो याद करो, जब भी हमारे पास क्या होता है नंबर अगर लिया जाए तो आगे वाले से कैरी कर लेता है, और आगे वाले से कैरी करेगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे जो फ्रैक्शन पार्ट बनेगा इसका 0.25 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा समझेंगे आप। अगर मान लीजिए -0.55 लिखा है बच्चों, आगे वाले से अगर 1 कैरी कर लेगा तो या माइनस करेंगे या तो 0.45 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, एक दो और एग्जांपल लेते हैं, अगर 3 अगर लिखा है तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 0। अगर -7 लिखा है तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ये ग्राफ आपको याद रखना है, कोई वैल्यू अगर कहीं लाई करे उसके बच्चों याद रखिएगा, उसके अगर इस बेस देखेंगे तो हमेशा ये जो नंबर लिखा है ये सारे इंटीजर वैल्यू लिखी है। अगर इसके इसके बीच में लाई कर रहा है तो जो एक्सपी फ्रैक्शन वैल्यू उसको हम, ये आपका देखिए आपको पहले ही बताया गया कि जो हमारा नंबर वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कौन कौन सा, एक इंटीजर पार्ट और दूसरा फ्रैक्शन पार्ट राइट।
इसे आई कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, एफ बोला जाता है बच्चों, राइट। और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है आपको याद रखना है कि हमेशा कहाँ से कहाँ लाइक आता है, जीरो से वन के बीच में, यही जीरो से वन का मतलब समझा रहा था मैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका डिफिनेशन, प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेते हैं। एक प्रॉपर डिफिनेशन पर अगर जाया जाए बच्चों तो होगा द फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया बच्चों। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और फ्रैक्शन पार्ट निकाल के जीरो से वन के बीच में ज़रूरत होगी तो लाई करा के उसकी इंटीजर वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इस पर भी, ठीक है। क्योंकि इस तरह तो कम समझ में आ, क्वेश्चन ज़्यादा लेने पे समझ में आता है। क्वेश्चन में कैसा दिया होगा, कैसे समझेंगे, जब लिखते हैं तभी समझ में आता है बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन फोर है आज का। लिखा है सॉल्व फॉर एक्स, लिखा है हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है और एक्स दिया हुआ हमें इस तरह। हमसे कहा गया इसको सॉल्व करो बच्चों, ठीक है। हमसे क्या गया, इसको सॉल्व करो। अपने दिमाग से भी हम फिर से वही बात है, फ्रैक्शन पार्ट से बोला गया है ना, इस फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, जीरो से वन के बीच में। और एक्स को हमने क्या पढ़ा है, सॉल्यूशन में अगर जाएँ, अगर एक्स को भी हमने क्या पढ़ा है कि एक्स को लिख सकते हैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, ये ना पढ़ा है, बताइए। इसको ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, और इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या आएगा, देखिए। तो यहाँ देखेंगे आप, फोर माइनस ये आ जाएगा, माइनस दिस इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बनेगा। इसको इधर लेते हैं, ये जुड़ जाएगा बच्चों, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये फोर में से बन जाएगा थ्री हो जाएगा, और यहाँ से मिला आपको टू, राइट। और यहाँ से देखिए, अगर इसकी अगर वैल्यू निकाला जाए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की, अगर वैल्यू की बात करें तो थ्री बाई टू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो फ्रैक्शन पार्ट होता है कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो जीरो से वन के बीच में लाई करता है, यही ना पढ़ा था हम लोग। तो यहाँ ध्यान दो, फ्रैक्शन पार्ट की अगर वैल्यू की बात करें, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख दीजिए, मीनिंग सेम है। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास थ्री बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वन है, लेस देन वन है। तो यहाँ से मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू की अगर बात करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, नंबर का तो कर ही सकते हैं, तो आपको ये मिलेगा। अब 0 से 2 बाई 3 के बीच में, आपको ग्राफ से भी याद हो, 0 से 2 बाई 3 के बीच में कोई भी अगर इंटीजर वैल्यू ली जाए एक्स की, तो क्या आएगी बताइए, जीरो आ जाएगा बच्चों। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 2 बाई 3 के बीच में अगर लाई करें तो उसका एक्स की वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों उसमें, ठीक है, आपकी जो इंटीजर वैल्यू होगी वो जीरो आ जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिला बच्चों यहाँ से, जीरो। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें बच्चों को थोड़ा टफ लगता है बट मुझे नहीं लगता टफ है। आप बस धीरे धीरे करते चले जाओ, जैसा जैसा बोला गया है वैसे से फॉलो करो, डेफिनेटली आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब पूरा क्वेश्चन लग गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इसी तरह, ठीक है। आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर एक्स पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन फोर, फ्रैक्शन पार्ट दिया हुआ बच्चों यहाँ पे, एक्स प्लस
ये लिखा हुआ है इज, ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइटली को हम लोग शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख दे रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिलेंगे। ठीक है, हमें चार ऑप्शन दिया गया बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, हमसे क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है ना। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए, देखो फिर से हम लोग वही कंसेप्ट की बात करेंगे। हम लोग क्या है कंसेप्ट, देखो हमारा जो नंबर है वो किससे मिलके बनता है बताओ, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, ये ना फॉर्मूला है हमारा। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो आप, अगर इसके अंदर वापस सब्स्टिट्यूट किया जाए तो देखो क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा हम लोग के पास। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर फंक्शन लिखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको इसमें जाएगा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर 3 बच जाएगा बच्चों, और यहाँ से बचेगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बचेगा, और यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट की अगर वैल्यू फिर से निकाला जाए क्या आएगा, 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है, अगेन फ्रैक्शन पार्ट कहाँ से कहाँ लाइक करता है, 0 से 1 के बीच में। अगर 0 से 1 के बीच में लाइक करता है तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला बच्चों, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो आपको ये मिलेगा, यहाँ 0 होगा बच्चों और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। अब 0 से 3/2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है बच्चों क्या क्या मिलता है याद करो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है बच्चों 0 आ सकती है एंड 1 आती है। अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो गया, राइट, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो गया, इफ अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया 0, तो हमारा फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा बच्चों बताइए, अगर हमारा फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा, जो नंबर था वो दो नंबर से मिलकर बना था, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, राइट, इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट मिलने वाला है क्या, नहीं, तो इंटीजर में आएगा तो डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 0। इफ अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई हो, ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी तो बच्चों फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा, अभी देखिए 1 आ रहा था इसका, अगेन वही बात है बच्चों फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा 0। ठीक है, ठीक, अगर इसका फ्रैक्शन पार्ट पे जाओगे आप, ठीक है, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना आने वाला है बताइए, अगर यहाँ आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से कैसे मैं फ्रैक्शन पार्ट 0 लिख रहा हूँ, अगर आपको किसी को नहीं समझ में आया यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए ये निकाले थे ना आप 2/3 इंटू 0 करोगे तो कितना आएगा बताइए, 0 आ गया, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। अगर यहाँ पे ये है तो इसके वजह से हम लिख सकते हैं यहाँ से कि फ्रैक्शन पार्ट कितना आ जाएगा बताइए, 2/3 इंटू 1, आपसे 2/3 मिल जाएगा, तो हमारा जो x था x प्लस, ये फिर से वही बात है कि इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से मिलकर बना हुआ है, और इंटीजर वैल्यू कितना था 1 और यहाँ से मिल गया 2/3, तो कितना आ गया 3 × 1 = 3 + 2 = 5/3, तो एक वैल्यू ये मिला बच्चों 0 और एक वैल्यू क्या मिला 5/3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे बच्चों। आज क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी, ठीक है, मैं आपसे फिर से कहूँगा अगर आपको मेरी क्लास पूरी समझ आए बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए इसको। ठीक है, कुछ मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए यही क्लास है बच्चों, होमवर्क नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन देखेंगे बच्चों कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ, ये मॉड लगा हुआ है बच्चों, ठीक है,
ग्रेटेस्ट सिर्फ फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ऑप्शन है आपके पास 2, 4, 1 एंड नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आप ट्राई करेंगे जरूर आ जाएगा बच्चों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्व एक्स बाई टू एक्स बाई थ्री इक्वल टू 5x/6। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। जो नए व्यूवर, मैं फिर से बोलूँगा बच्चों, पुराने क्लासेस जाके वापस देखिए, पुराने लेक्चर कैसे हैं, क्या उसमें समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, अभी भी मैं ले सकता हूँ आपके सारे डाउट नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।